हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोती वर्क राधे राधे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कृष्णा का सेकेंड पार्ट। सो पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में आपके साथ आगे क्या शेयर करना है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सको। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आगे हमें इसकी बॉडी बनानी है, तो उसे कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो है सबसे पहले चार मोती ऐड करेंगे स्काई कलर की, जिसका गांठ लगा लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे तीन स्काई कलर की ही मोती, ये देखिए। अब जिस तरीके से ये स्काई कलर की मोती मैंने ऐड की, इसी तरीके से तीन तीन स्काई कलर की मोती लेकर हमें ऐड करना है आठ बार, जो कि एक बार हमने कर लिया है और ये मैं दूसरी बार करने जा रही हूँ। इसमें हमारा धागा है और फिर से मैं इसमें ऐड करूँगी तीन मोती। तो ये आप देख सकते हो, फिर से मैंने तीन मोती लिया है और इसके अंदर सेम उसी तरीके से ऐड किया। ये दो बार और हमारा ऐड हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें आठ बार ऐड करना है, तो अभी छः बार इसी तरीके से तीन तीन करके मोती हम ऐड कर लेंगे, लंबी सी लाइन बना लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने ये जो है टोटल इसमें आप देखिएगा नौ घर है, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ, ठीक है। इस तरीके से लंबी लाइन हमने कर ली। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर आएंगे और फिर इसके अंदर आएंगे, फिर इसके अंदर आएंगे और फिर इसके अंदर आएंगे। यानी तीसरे वाली मोती में आना है। अब इसके अंदर फिर से हम तीन स्काई कलर की मोती ऐड करेंगे। अब देखिए, तीन स्काई कलर की मोती मैंने ली और इसके अंदर ये ऐड कर दिया। और अब हम इसके अंदर आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे और फिर इसमें आएंगे। अब इसमें आने के बाद दो दो करके मोती ऐड करना है, तो दो दो करके मोती हम चार बार करीब ऐड करेंगे। तो सिंपल क्या करना है, ये देखिए, दो मोती लिया और इसके अंदर ऐड कर देंगे, ऐड हो गया। फिर हम इसके अंदर आएंगे, फिर इसमें आएंगे और फिर सेम यहाँ भी जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे यहाँ करेंगे। तो ऐसे हमें चार बार करना है, जो कि एक बार हमने कर लिया है, तो चलिए तीन बार कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको कहा, चार बार मैंने ऐड किया दो दो करके मोती। तो ये इस तरीके से सेम दोनों तरफ आपको दिखेंगे जब ये बन जाएगा। अब आ जाएंगे हम इसके अंदर और इसके अंदर फिर से हम ऐड करेंगे तीन मोती स्काई कलर की ही, और उसके बाद फिर से इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए ऐड हो गया। अब आ जाएंगे इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर और फिर इसके अंदर। अब सेम जैसे हमने ऊपर दो दो करके मोती चार बार ऐड किया, वैसे ही नीचे भी करेंगे। तो दो दो करके चलिए ऐड कर लेते हैं चार बार। तो ये अब देखिए, इस लाइन को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और फिर से अब यहाँ पे हम उसी तरीके से तीन मोती स्काई कलर की ऐड करेंगे और फिर से दो दो करके हम दूसरी तरफ ले आएंगे। इसमें आ गए और अब इसमें और अब फिर इसमें, और सेम दो दो करके मोती हमें लेकर आना है, चार बार ऐड करना है दो दो करके, सो लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस लाइन भी, ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया, बट इसके आगे भी हमें सेम ऐसे ही करना है। फर्क बस इतना है कि हमें इसमें येलो कलर ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, उसी तरीके से मैं तीन मोती ऐड कर रही हूँ, बट ये जो कलर है वो येलो है। तो येलो कलर इसमें ऐड किया और सेम अब दो दो करके येलो कलर ऐड करेंगे, चार बार यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस लाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया और सेम उसी तरीके से इसमें अब हम ऐड करेंगे
तीन मोती और फिर से दो दो करके मोती ऐड करेंगे चार बार। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए फिर से जो है मैंने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है और फिर से तीन मोती ऐड कर रहे हैं। तो ये लास्ट है हमारा इस तरीके का। अब हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, बट पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो तीन मोती ऐड हुई, अब दो दो करके चार बार मोती ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो है आप देखोगे ये तीन घर है कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इसके नीचे येलो कलर की ही मोती ऐड कर रहे हैं तीन, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसमें दो येलो कलर की मोती ऐड करेंगे। तो ये दो येलो कलर की मोती ऐड हुई और अब हम आएंगे इसके अंदर, फिर इसमें आएंगे और इसमें भी सेम हम तीन येलो कलर की मोती ऐड करेंगे। तो ये तीन येलो कलर की मोती ऐड हुआ, फिर आ जाएंगे इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, और इसमें ऐड करेंगे दो येलो कलर की मोती। ये देखिए ये भी ऐड हो गया। तो अब हम आ जाएंगे इसमें, फिर इसमें, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसमें और इसमें ऐड करेंगे तीन स्काई कलर की मोती दो बार। तो ये तीन स्काई कलर की मोती, फिर इसके अंदर आएंगे, फिर इसी तरीके से तीन स्काई कलर की मोती। और ये फिर से ऐड कर रहे हैं, ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा गांठ लगाएंगे और हम कट कर देंगे। ये देखिए अब इसे कट कर देंगे, ये हो गया। अब सेम जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे करना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें धागे को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने गांठ लगा लिया है। अब जो है तीन मोती लेके इसके अंदर ऐड किया, सेम उसी तरीके से करना है। फिर इसके अंदर आएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, और इसमें ऐड करेंगे दो मोती और ये दो मोती ऐड हो गई इसमें। तो इसमें हम ऐड करेंगे तीन मोती, फिर इसमें दो मोती ऐड कर देंगे और बस फिर इस मोती में ला के किनारे वाले मोती में यहाँ पे इस तरीके का दो स्काई कलर का मोती तीन करके दो बार ऐड कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो सेम इसी तरीके से इसे भी मैंने बना लिया है। तो इस तरीके से इसकी बॉडी कंप्लीट हो गई। अब जैसे कि पिछली बार में मैंने आपको इसका जो फेस बता दिया था, तो ये रहा इसका फेस, तो इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो इसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना है कि आप पीछे कहीं भी गांठ लगाइए धागा और उसे इस मोती में लेकर चले आना है। तो मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे, मैंने आप देख सकते हो गांठ लगाया है। अब बीच वाली मोती में हमारा धागा है और हमें लेना है एक स्काई कलर की मोती और ये जो बॉडी का पार्ट है इसके अंदर जो बीच में जो मोती आ रही है, यानी इसमें टोटल नौ घर है, तो जो बीच में आएगा चार इधर मोती है, चार इधर मोती है। देखिए एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार, और बीच में बचा एक्स्ट्रा मोती। तो अब हम इसे लेकर इसमें ऐड करेंगे। एक मोती मैंने ली है और ये ऐड हो गया।
और फिर से एक मोती लेकर फिर से इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से। ये जॉइन हो गया, तो फिर से हम एक बार इसे इसमें धागे को घुमा लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। और ये इस तरीके से जाते हैं इसके अंदर। अब इसे कहीं भी छोटा सा गांठ लगा के और कट कर देना है। तो हम पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा गांठ लगाइए और फिर इसे कट कर दीजिए। हो गया। अब इस तरीके से जो है हमारा पार्ट बनकर कंप्लीट है, आप देख सकते हो। तो ये दो पार्ट हो गए, ये मैंने पहले से जो बना के रखा था, ये जो है मैंने पहले से बना के रखा था और ये मैंने अभी आपको बताया। तो दोनों ही पार्ट सेम तरीके से बनाने हैं, ऐसा आप दो पार्ट बनाइए। सो मेरा तो बन चुका है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इसे इसके ऊपर रख के ये दोनों तरफ सेम दिखेगा, दोनों तरफ सेम दिखेगा, और इसे इस तरीके से रख के इसके बाद हम इसे ज्वाइन कर देना है। जिस तरीके से हमने महादेव जी को, पार्वती माता को, पैरट झूमर को, हंस के झूमर को, गणेश ठाकुर को, ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिस तरीके से ज्वाइन किया गया है, सेम उसी तरीके से इसे भी बराबर बराबर रख के ज्वाइन करना है। अगर आप मैं जो है इस वीडियो में स्किप करूँगी कि इसे कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में इसे बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देखकर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है महादेव जी का, पार्वती माता का, पैरट झूमर का, हंस के झूमर का और गणेश जी का, उनका मैंने लिंक दे दिया है। आप देखिए उसमें कि किस तरीके से और ज्वाइन किया गया है, और उसी तरीके से सेम इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो मैंने मोती वर्क को लेकर एक बेसिक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है, उसमें मैंने सिर्फ इसी पे बात की थी। तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके देख कर और इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद बहुत कम ही चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, और ये बहुत ही जल्दी हमारे जो कान्हा जी हैं वो बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो लाइक कमेंट करके पूछ सकते हो। और चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय। सॉरी, हाँ एक बात और है, जिस तरीके से मैंने ज्वाइन करने को आपको बताया था उसी तरीके से ज्वाइन कीजिएगा। और इसमें भी हमें प्लास्टिक थोड़ी सी ऐड करनी है, तो इसमें भी आप थोड़ा सा प्लास्टिक ऐड कर लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।